अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, टी टाइम विद कोमल में मैंने आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाया। लोगों से क्या मिलवाया, कुछ आपको एक्टर से मिलवाया, सिंगर से मिलवाया, और उसके बाद पॉलिटिशियन से मिलवाया। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ना ट्रेंड को चेंज किया जाए, ठीक है। और ट्रेंड मैंने इस तरह से चेंज किया कि मैंने सोचा कि आप लोगों को उन लोगों से मिलवाया जाए जिनके साथ हम डेली काम कर रहे होते हैं। टी टाइम तो वगैरह है ही, तो सोचा इसमें थोड़ी सी गपशप हो जाए उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारा दिन गुजरता है। तो आज एक बड़ा स्पेशल दिन भी है, जिसकी वजह से कुछ जो मेरे को लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, खैर, लेकिन जो मेरे पास मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। अक्सर आपने उन्हें टी वी स्क्रीन पर देखा है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम में। तो जाना माना चेहरा है, जानी मानी शख्सियत हैं, वेनिस टीवी पे अक्सर आप उन्हें देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आसिफ शर्मिला साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम कोमल, माशाल्लाह, कैसे हैं आप? बोल रही हो, A1 फर्स्ट क्लास। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज गेस्ट बन के? वैसे एंकर पर्सन है, गेस्ट बन के कैसा लग रहा है? देखिए, गेस्ट बन के अच्छा ही लगता है। जब हम प्रोग्राम्स करते हैं अपना खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ, उसमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा रिलैक्स है। उसमें जरा सा स्टडी करके बैठना पड़ता है, मुताला करके बैठना पड़ता है, तो जरा सा आज थोड़ा सा अच्छा फील करें। फीलिंग अच्छी आ रही है आपको? अच्छा जी, दूसरे अपने गेस्ट का भी तारुफ आपसे करवा दूं और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वैसा जो मेरे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं तसद्दुक गौरी साहब। आपने उनको भी अक्सर टी वी स्क्रीन पर देखा है हमारे साथ, अक्सर आपने उनका प्रोग्राम देखा होगा सच के सिवा कुछ नहीं। वो हमें सच दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक वो हमें दिखाते भी हैं। तो आपको मिलवाती हूँ तसद्दुक गौरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू कॉमन, थैंक यू। एक एंकर पर्सन होना और एक सहाफ़ी होना, दोनों में क्या तजाद है? एंकर जो है, मैं ये समझता हूँ कि जो एंकर है वो अदाकार है, वो अदाकारी करता है बैठ के, यानी कि उसके पीछे भी स्क्रिप्ट होता है, स्टडी होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जैसा अदाकार को दिया जाता है, और उसके जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आवाम देख रही होती है। तो उसको मैं कहूँगा कि अदाकार, चाहे वो सच कह रहा हो चाहे वो झूठ कह रहा हो, दोनों में अदाकारी होती है। और साफ़ी वो होते हैं कि साफ़त, ये सुफ़े अकराम से निकले हैं साफ़ी जो लफ्ज़ है, तो इसका मायने है कि हमें रियल जो है चीज़ें उसको फोकस करना, उसको उजागर करना, उसको बताना, कि ये साफ़त, ये दो चीज़ें अलग अलग डिफरेंट हैं, यानी जो आपने पूछा है। एक हैंकर अच्छा है, वो एक अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है या साफ़ी जो है वो हैंकर नहीं बन सकता। ये इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क तो काफ़ी सारी चीज़ों में है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका ना जो करियर है वो थोड़ा बैक फॉरवर्ड है, ऐसा क्यों है? आप सियासत से सहाफत में कैसे आए? हाँ, जब स्टूडेंट लाइफ से, तो उस वक्त हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जनरल ज़िया का मार्शल्ला था, स्टूडेंट तंजीम पर पाबंदी थी, तो एक भरपूर स्टूडेंट स्ट्रगल की, और वो नजरात की होती थी। आज की सियासत में, उस वक्त की सियासत में फ़र्क है, नजरियात होती थी कि लेफ्ट या राइट। हम लेफ्ट सियासत करते थे, चाइना और को हम मानते थे उस वक्त, चाइना की पॉलिसी को हम चाइना, इससे पहले रशिया की पॉलिसी को मानते थे, कामरेड लेनिन के बाद माज़ोतून के हम पैरोकार बने, तो उस वक्त नजरियात होती थी, आज नजरियात नहीं है। फिर हमने स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल की, सियासत की, उसके बाद एक शॉर्टकट लेने के लिए, मैं खुद कहूँगा इसको शॉर्टकट, मैंने अपने नजरियात से इख्तलाफ़ करते हुए, मैं एक उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नेशनल पीपल्स पार्टी का वजूद आया था, जिसके गुलाम मुस्तफा जतोई चेयरमैन थे, जैसा काफ लीग बनी नून लीग को तोड़ के, तो शॉर्टकट था। दोस्तों ने कहा कि यार शॉर्टकट में आ जाएं, इकदार आ रहा है, तो वो खैर इकदार नहीं मिला। फिर उसके बाद 90 के अंदर जब जतोई साहब निगरान वजीर आजम बने, तो मैं उस वक्त उनके था OSD2 प्राइम मिनिस्टर था 90 में। फिर 96 के अंदर हम ये देखते हैं कि 96 में जतोई साहब की सियासत कम हो गई, तो फिर मैंने एक फैसला करना था कि साफ़त करूँ या वकालत करूँ। असल में मेरे रग रग में साफ़त थी, और सियासत और साफ़त का एक चोली दामन था। सियासत में कैसे पहुंच गया? हाँ, ये स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ के, उस वक्त स्टूडेंट सियासत होती थी कराची यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सियासत होती थी, तो उसमें एक ना भरपूर हमने सियासत करी। मैं कराची NSF कराची का जनरल सेक्रेटरी था, और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और जमीयत जमा इस्लामी की, ये एक दो पाकिस्तान बनने वजूद में आने से थी, तो
जुल्फ़ार अली भुट्टो को जब 71 में इलेक्शन जिताया गया तो उसको PSF का मौजूद नहीं था, नेशनल पीपल्स पार्टी का, तो उसको नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने 3 मुआहदे पर भुट्टो साहब से मुआहदा किया। उस वक्त हमारे सदर होते थे मिराज मदद खान साहब, जिसके बदले में भुट्टो साहब ने उनको मिनिस्टर बना दिया था। बाद में खैर एक लंबी बहस है इख्तलाफ हुआ, तो फिर हम मासिस में आए तो मैं एक जागीरदार के साथ आ गया, लाजमी जुतवी साहब जागीरदार थे, मैं अपने नजरा से अटके शार्टकट में आ गया। मैं इस बात का आप आज आपके सामने ऑन कैमरा में इतराफ करता हूँ, दोस्तों ने बड़ा समझा। फिर ये था, उसके बाद फिर साफत इसलिए ज्वाइन करी कि सियासत में रहे, स्टूडेंट लाइफ से लिखते थे कॉलम्स वगैरह ये हुए, तो फिर मैंने कहा इससे बेहतर वो चीज़ अपनाई जाए, पेशा अपनाया जाए जो आपको पसंद हो। जैसा 3 Idiots फिल्म में आमिर खान ने कहा कि जो आपको पसंद है वो मीन्स कि आपको सहाफत का शौक था शुरू से। मैं 9-10 क्लास में था, लियारी में हम रहते थे, तो उस वक्त सबसे बड़ा अखबार होता था अमन अखबार होता था जंग के बाद, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था हमारे थे। उस वक्त के मेरे कालम साहब भी मेरे पास हैं, कालम लिखते थे, तो फिर सियासत में तो ये खुद साफी जो बनता है ना, ये कैमरा मैन है हमारे सामने, कैमरा मैन बैठे हैं खड़े हैं, ये भी कुदरती तौर पर इनमें गॉड गिफ्ट्स चीज़ें होती हैं। आप जो एंकर हैं आज आप हमारे इंटरव्यू ले रही हैं, तो आपके अंदर भी गॉड गिफ्ट कुदरती चीज़ें होंगी। हर इंसान मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं आजकल, तो मीडिया साइंस है, हर बच्चा बच्ची ये चमक है, हम मीडिया में बैठे ना चमक के देखकर वो चाहता है कि हम आ जाएं और एंकर बन जाएं, हम आ जाएं साफी बन जाएं। मैं उनको ऐसा नहीं है, आप तैराकी की किताब जब पढ़ती हैं तो तैराकी की किताब पढ़ने के बाद आप समंदर या स्विमिंग पूल में छलांग लगेंगी तो लाजमी डूब जाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो साफी होने के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप जितने सीनियर पीछे साफी ले लें, बड़े बड़े नाम हैं, कि उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं करी, और आसिफ शर्मिला भी इस बात को मेरी तायद करेंगे, ये कुदरती है, आपके अंदर भी गॉड गिफ्ट चीज़ें होंगी। आप हम कैमरामैन जो हमारा जो भी लोग हैं वो गॉड गिफ्ट हैं, और वो इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते। मैं उन साफियों की मनफी करता हूँ, मजम्मत करूँगा जो साफत के नाम के ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, और साफत के नाम के ऊपर हम जो साफ मीडिया के लोग हैं उनको शर्मिंदा करते हैं। मीडिया के लोगों से हमारे साथ मौजूद हैं ना आसिफ शर्मिला साहब। आसिफ साहब, मैं आपसे एक बड़ा ना इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे सवाल आए भी, और उनमें से एक सवाल ये भी था कि आज मैं आपसे ये पूछूं कि आपके नाम के साथ ये जो है शर्मिला, तखल्लुस इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब मैं आया था दुनिया चमकती दमकती दुनिया में, तो मैं आया था रेडियो पाकिस्तान कराची से, मेरा ड्रामा चलता था घर आया मेहमान, उसमें मेरा एक करेक्टर था शर्मिला। अच्छा, उस दौर में रेडियो सुना जाता था, उस वक्त टोटल टेलीविजन था, वो भी शाम को 5 बजे शुरू होता था, या रेडियो सारा दिन लोग सुनते थे, या टैप रिकॉर्ड पे गाने सुना करते थे। तो वो ड्रामा का किरदार जो था शर्मिला, वो बड़ा मशहूर था, मकबूल था। अच्छा। जब हम स्टेज की तरफ आए, बस एज ए चाइल्ड कॉमेडियन, मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र कॉमेडियन रहा, तो जब मैं इस तरफ आया तो वो पहचान बताने के लिए कि वो रेडियो से आप आवाज़ सुनते हैं ड्रामा और आसिफ शर्मिला, तो मैं उनको बुलवा रहा हूँ, तो वो शर्मिला लगता चला गया, फिर वो पहचान बन गई। तो अब लोग मुझे मेरे असल नाम से नहीं जानेंगे, शर्मिला के नाम से जानेंगे। और उस वक्त एक शर्मिला थी, शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान की वालदा, दूसरा शर्मिला में आया, तो मर्दों में एक ही शर्मिला है। अब तो माशाल्लाह ये ऐसा लगता जा रहा है जैसे कि कोई कास्ट बनती जा रही है, मैंने कई जगह देखा कई लोगों का। अब मेरा ये जो शर्मिला है ये 79 से है जब मैं ड्रामा करता था। अच्छा। और 84 में मेरा कैसेट रिलीज हुआ, तो उस वक्त तक शर्मिला टैगोर थी, या शर्मिला फारूकी भी मेरे बाद आई। कोमल ऋषि में दो शर्मिला और शर्मिली हैं, एक शर्मिला हमारे सामने बैठा आसिफ शर्मिला, एक शर्मिली शर्मिला। असल शर्मिला जो है, ये हम अपने देखने वालों को भी बता दें, शर्मिला है मुजक्कर और शर्मिली है मोनस, ठीक है? तो अब वो मुजक्कर मोनस जो होते हैं वो रख लेती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और तसद्दुक भाई की बात का मैं कहूँगा, तसद्दुक भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि शोबिस जो है ना, शोबिस हो यानी फ़नून लतीफ़ा, कोई भी शोबा हो, सहाफ़त हो, अदब हो, ये कुदरती एक होती है, इसको ये नहीं कि कोई घोल के पिला देगा और आप सीख जाएंगे। और ये बहुत प्यारी बात की है कि देखें, आप जो आप तैराकी की अगर किताब पढ़ते हैं
तो आपको तैरना नहीं आता, आपका थ्योरी तो है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल आपको जब आएगा जब आप उस तालाब में कूदेंगे और आपको कोई सिखाने वाला होगा, कोई उस्ताद होगा। आज के जो रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफी बने हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, मैं तो अपने आप को सहाफी भी नहीं कहता, वो इसलिए कि मैंने जर्नलिज्म नहीं किया तो मैं सहाफी कहाँ से हो गया, जर्नलिस्ट कहाँ से हो गया। मैं एंकर हो सकता हूँ, मैं रिपोर्टर हो सकता हूँ, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता हूँ, किसी इवेंट में जाता हूँ उसकी रिपोर्ट करता हूँ। जब मैं उस जगह खड़े होकर लाइव लोगों को बता रहा होता हूँ कि यहाँ पे ये हादसा हो गया या ये वाकया हो गया, तो वो रिपोर्ट करना है। जर्नलिज्म का बाकायदा एक कोर्स होता है, जैसे कि तसद्दुक गौरी साहब, ये मेरे सीनियर हैं सहाफत के हवाले से, और हमने सीखा है इनसे और आज भी सीखते हैं हम ऐसे लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने जर्नलिज्म किया। हमारे मुल्क में बहुत कम लोगों ने जिन्होंने जर्नलिज्म किया हो, हम तो उन लोगों की सोबत में रह के उनके कुछ सीखा है उनको, और आज भी सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं। तसद्दुक भाई ने एक बात की, उससे मैं इख्तलाफ करूँगा, कि एंकर एक्टर होता है, एक्टर नहीं होता है, क्योंकि वो भी रिपोर्टिंग करके आता है। अब बोलने का अंदाज होता है, किस लफ्ज़ को कहाँ बोलना है। अब न्यूज़कास्टर है, वो बोलती है, तो अब एक हादसा हुआ है तो उसको किस तरीके से बोलना है, उसकी अदायगी कैसे करना है, इसी को अदायगी कहते हैं, अदायगी कहते हैं हम नाम, यानी कि साफ़त में हम आम डिस्कशन कर रहे थे, अभी आप एज एंकर हैं तो लाजमी आप उस, हम एज एंकर नहीं आपके साथ, अब देखिए मैं आपका गेस्ट हैं, जी जी आप सही कह रहे हैं, तो ये उसी तरफ आ, तो ये चीज है तसद्दुक भाई, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो लफ्जों की अदायगी है। देखिए अब मैं आपसे हमारे लफ्जों की अदायगी, मैं उसको बता रहा हूँ ना, उसी को बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे जो गेस्ट है ना वो डिबेट पे आ गए। लेकिन एक्टर एक्टर होता है, एंकर एंकर होता है। सिर्फ ये है कि मैं कहूँ कि हमारे साथ मौजूद है तसद्दुक गौरी साहब, एक जगह मैं ये कहूँ कि हमारे मुल्क का एक बहुत अच्छा कालम निगार, बहुत अच्छा तबसरा निगार और बहुत अच्छा बोलने वाला, तसद्दुक गौरी, तो एक जोश आता है, एक वलवला आता है, तो ये अंदाज है बोलने का, अल्फाज वही हैं जो बोले जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं तसद्दुक साहब के हवाले से, कि तसद्दुक साहब का जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम चैनलों पे कम होते हैं। आप जितने चैनल देख लें, इस तरह के प्रोग्राम के तबसरा भी कर रहे हैं, उसकी वजाहत भी कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम मेरे ख्याल से एक या दो होंगे। और इनका शोभा बड़ा मुश्किल है, बड़ा टिपिकल है। हम जो कर रहे होते हैं ना, जो टॉक शो करते हैं, हम जिस तरह से हम बोलते हैं या जो लेकर आते हैं मवाद, हम सच्चाई के साथ बैठते हैं। अच्छा, आजकल के जो रिपोर्टर हैं वो झूठ पे है, हम उनका बायकॉट करना चाहिए। और इस पर मैंने प्रोग्राम किया है कि ऐसे सहाफ़ियों का, ऐसे रिपोर्टर्स का जो दो नंबर है, उनका बायकॉट होना चाहिए। उसमें हम जैसे लोग, हमसे जो सीनियर लोग, जो वाकई जर्नलिस्ट हैं, वो बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, हमारी डिबेट ना इस पे जरा थोड़ी सी, हम अपने ट्रैक से नीचे चले गए। मुझे ये बताएं कि फनी करियर का आगाज आपने कैसे किया अपना? मैं एक स्कूल में, हमारे टेबलो हो रहा था, यानी जो सालाना प्रोग्राम होते हैं, एनुअल फंक्शन था, मैं उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने। तो मैं अपना आइटम लेकर आया था, एक पुलिस वाला और एक ख्वाजा सरा पतंग कैसे उड़ाते हैं, तो वो एक आइटम था। और एक शादी का आइटम था कि शादी पर लड़कियों की विदाई कैसे होती है। जी जी, आपका कैरेक्टर क्या था, पुलिस वाला या ख्वाजा सरा? नहीं नहीं, मैं दोनों कर रहा था। अच्छा। अब वो क्योंकि कॉमेडी थी, इस वन मैन शो मुझे करना था। अच्छा। तो वो मैं जब बना के लाया, तो हमारी जो टीचर थी और प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा भाई आप बताएं क्या किया। तो वो आइटम मैंने किया। अच्छा, ये खुदादाद सलाहियत, जैसे तसद्दुक भाई ने कहा खुदादाद सलाहियतें होती हैं, तो मैंने वो आइटम बनाया था। वो आइटम ऐसे आया था कि मैंने देखा था कि एक हमारे इलाके में ख्वाजा सरा रहा करते थे, वो पतंग उड़ाते थे और फिर और एक आम आदमी पतंग उड़ाता था। तो मैंने कहा यार, एक पुलिस वाला पतंग उड़ाए और एक ख्वाजा सरा पतंग उड़ाए तो कैसा लगेगा। वो ही आइटम मैंने बना लिया। अब वो जब मैंने आइटम उनके मिसों के सामने ऑडिशन के तौर पे जब मैंने किया, तो वो हंस हंस के उनके बुरे हाल और बहुत बुरे तरीके से वो हंसे। अच्छा, उस दौर में मैं तुतलाता था, मैं तुतला तुतला के बोल रहा था। तो खैर बहरहाल मेरी इंटरव्यू हुई, तो वहाँ पे महमूद अहमद सिद्दीकी, रेडियो के बहुत
सीनियर प्रोड्यूसर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको वो करेक्टर चाहिए था कि वो तुतला के बोले और ऐसा बोले और टैलेंटेड हो, तो उन्होंने हमारे टीचर से बात की। टीचर ने कहा इनके पेरेंट्स से पूछें। जब हमारे अम्मी अब्बू से जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं अब तो भी बहुत छोटा है, इसकी ये 9 साल 8 साल उम्र है, ये कैसे करेगा और ये कैसे। आसिफ साहब आपकी ना इस स्टोरी को मैं यहीं पे थोड़ा सा स्किप करूंगी, एक ब्रेक ले रही हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। और आपकी आपकी जो ये स्टोरी है, बचपन जी हमारी जिंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बचपन का जो स्पेस होता है ना हमारे पास वो बड़ा यादगार होता है। उस हवाले से भी मैं अपने दोनों गेस्ट अपने दोनों मेहमानों से इस हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मजेदार किस्म की गपशप चल रही थी, मैं अपने को होस्ट से आपको आज मिलवा रही थी कि हम किस तरह से जो है वो सारे मिलके काम करते हैं। एक और हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के होस्ट, आपने देखा होगा उनको वेनिस टीवी पे, वेनिस के प्रोग्राम करते हुए भी, तो उन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, तो आपका तारुफ मैं करवा देती हूँ जबरदस्त सा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजादा मोई। थैंक यू। वेनिस स्पोर्ट्स आप देखते रहते हैं, बल्कि डेली देखते हैं, तो कैसे हैं मोइन आप? ठीक है, का शुक्र। ये मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इतने लेट क्यों हैं? ये इस वक्त अगर बात करें शहर कराची की, तो इस वक्त सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा। एक दूसरे से रबते में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, और ट्रैफिक ऐसा जाम है इस वक्त शहर कायद का, जिसकी वजह से परेशानी। देखिए जी, कितने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने माजरत कर लिया मुझसे कि ट्रैफिक बड़ा जाम है और सिग्नल नहीं है तो वो लेट थे। अच्छा मोइन, हम बड़ी अच्छी सी गपशप हमारी थी और हमने सवाल किया था आसिफ साहब से, वो अपने बचपन की कुछ सुनहरी यादें हमें बता रहे थे। जी आसिफ साहब, तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा जरा, उस करेक्टर के हवाले से हम बात कर रहे थे आपके। अच्छा, वो दो आइटम जो मैंने किए, मैंने आपको बताया कि वो फिर हमारे वालदेन के पास आए, उनसे बात की, थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने कहा गाड़ी आएगी रेडियो पाकिस्तान कराची की और लेके जाएगी, छोड़ेगी भी, बस वो वहाँ से फिर हम गए, वहाँ पे हमें बताया गया, समझाया गया, फिर हमने ड्रामा शुरू कर दिया। जब वो ड्रामा करने लगे तो वो करेक्टर बड़ा मशहूर हो गया शर्मिला। अच्छा। वो किरदार बड़ा मशहूर हो गया शर्मिला, तो बस फिर वो रफ्तार 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 फिर जैसे जैसे बढ़ते गए और ये शौक पैदा होता चला गया और मज़ीद सर उभारने लगा, तो हम थिएटर की तरफ चले गए, थिएटर किया, टेलीविजन किया, बहुत कुछ किया। थिएटर से भी आप रिलेटेड रहे हैं? हाँ, कितना अरसा? थिएटर पे तकरीबन ये समझ लीजिए 80 से। अच्छा। 80 से मैं हूँ, 84 में मेरा कैसेट रिलीज हुआ था। ओके। जिसके शादी ब्याह के गाने बड़े मशहूर हुए थे। हाँ। मेकअप करके निखार आता है मुझे, बासी दाल पे भगा आता है मुझे, बेगम से ज्यादा खुदा की कसम छोटी साली पे प्यार आता है। ये बहुत से रहे और आज भी वो गाने बजते, बल्कि इसके ऊपर तो बहुत से नौजवानों ने दीगर ममालिक के पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने टिकटॉक भी बनाई इन गानों पे, और बस वो पहचान बन गई। फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता शोबिज छोड़ दिया, अब लिखने लिखाने की हद तक है कि ड्रामा। अच्छा, मतलब आप हिदायतकारी की तरफ आ गए? हाँ, हिदायतकारी और ऐसे राइटर उस तरफ आ गया, बाकी होस्ट करता हूँ, प्रोग्राम होस्ट करता हूँ और मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उसमें एज ए कॉम्पियर जाता हूँ और लोग बुलाते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। बाकी विनस चैनल पे और कई चैनलों पे जाहिर है प्रोग्राम एंकर भी रहा, सहाफत से ताल्लुक़ रहा, अब तो तकरीबन ये समझ लीजिए पाकिस्तान का पहला चैनल जो आया था न्यूज़ के हवाले से, वहाँ से आज तक काम कर रहे हैं और मज़ीद आगे और काम करना है। और तसद्दुक भाई जैसे लोगों से और दीगर लोगों से इनकी सोहबत में रह के सीखना भी है और सीख रहे हैं, सीखने का अमल तो लहत तक जारी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें जो मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंट हमें ज्वाइन किया शहजादा मोइन साहब ने, वेनिस स्पोर्ट्स के नाम से मशहूर शख्सियत हमारे पास मौजूद है, तो मोइन साहब जरा मुझे बताएं ये स्पोर्ट्स से कोई पुराना रिश्ता है कोई? जी बिल्कुल कोमल, मैंने जब
स्पोर्ट्स में कदम रखा तो मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो मैं क्रिकेट खेलने लगा। फिर कॉलेज से खेला मैंने, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर क्रिकेट खेली। उसके बाद मैं बाकायदा तौर पर क्लब जब ज्वाइन किया तो वहाँ से मैंने फिर कराची के लिए अंडर 19 खेली। उसके बाद ये शौक बढ़ता चला गया। फिर मैंने देखा कि ये मुख्तलिफ जगहों पे क्रिकेटर्स जाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स के। साफ़ी बिरादरी को हमने देखा कि वहाँ पर वो उनके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो मुझे भी एक शौक पैदा हुआ वहाँ से कि क्यों ना मैं भी इस फील्ड की तरफ आऊँ। तो इस फील्ड पे आया और फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुख्तलिफ अच्छे उस्तादों की सरबराही में मैं थोड़ा थोड़ा काम करते रहा, और आज तक मैं इन चीज़ों को लेकर चलता रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे उस्तादों का बड़ा करम है कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। और शहजादा मोइन के बारे में मैं बताऊँ, मेरे साथ एक चैनल पर ये साथ थे। अच्छा, शर्मिला साहब भी मेरे साथ थे एक चैनल मतलब पर मौजूद। बड़ी स्ट्रगल की है शहजादा मोइन ने, और बड़ी मतलब ज्यादतियाँ भी बर्दाश्त की हैं हमने। साफ़त में ज्यादतियाँ बहुत ज्यादा, कोई भी आप कहीं काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो देखिए स्ट्रगल तो सब जगह होती है। आपको सर्वाइव करना आना चाहिए कि आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे। क्रिकेट बचपन से शौक, बिल्कुल बचपन से पहुंचे आगे, फिर 19 खेले। जिस तरह कराची के लड़कों के साथ आज भी ज़्यादती होती है, उस वक्त भी ज़्यादती हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त ये था कि मीडिया का इतना जोर नहीं था, जो लड़का परफॉर्म करता था उसको हाईलाइट नहीं होते थे। तो फिर वो बैक की तरफ जाता रहा, फिर ऐसा वक्त आ गया कि क्रिकेट जो है छोड़नी पड़ी, क्योंकि घरेलू मसाइल भी आ जाते हैं, उसको लेके फिर चलना होता है। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा, फिर सहाफत की तरफ आया। वहाँ पर जिस तरह आसिफ भाई ने कहा कि स्ट्रगल करना पड़ता है, से आपने जम किया सहाफत में? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये किस तरह से आना हुआ? मैंने आपको बताया ना कि शौक पैदा होता था कि जहाँ पर क्रिकेटर्स इंटरव्यूज दे रहे होते थे, साफी बिरादरी आगे उनसे इंटरव्यूज कर रहे होते थे, तो शौक एक पैदा होता क्यों ना मैं भी एक साफी बनूं और इस तरह क्रिकेटर्स की दुनिया में जो है ना नाम पैदा करूं। तो वही चीज़ आज हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि जिन क्रिकेटर्स के साथ मैं खेला करता था आज मैं उनके इंटरव्यू ले रहा होता हूँ। अच्छा, मतलब एक शौक आपको ये था कि आप पहले क्रिकेट खेलते थे फिर आप सहाफत में आ गए? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चेंज थोड़ा अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं रहा था? असल में शौक एक ही चीज थी कि स्पोर्ट्स है। अब स्पोर्ट्स में लगाव था तो यकीनन वो क्रिकेट हो या दीगर जो भी गेम हो तो उस पे हम काम भी करते थे, और अच्छा लग रहा था कि मुख्तलिफ जो है गेम्स हो रहे हैं उसको जाके कवर कर रहा था। तो शौक और मजीद पैदा होता रहा स्पोर्ट्स के लिए ना, क्रिकेट से हटा तो फिर हॉकी, फुटबॉल, दीगर खेलों की तरफ जाता रहा मैं, क्योंकि उससे जो है और ज्यादा एनर्जी भी मिल रही थी, काम करने का जज्बा भी बढ़ रहा था कि मजीद स्पोर्ट्स में क्या कुछ होता रहता है पाकिस्तान के अंदर, तो उन पे काम करने का शौक ज्यादा पैदा हो गया। अच्छा, हमारे साथ ना को होस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे तसद्दुक साहब। तसद्दुक साहब ने भी बड़ा अच्छा एक अपनी लाइफ का मुझे जम बताया कि वो सियासत से सहाफत में आ गए, आप क्रिकेट से सहाफत में आ गए। बिल्कुल, असल में जो चीज हम शोबिज से सहाफत की तरफ आए, ये थोड़ा डिफरेंट है चीज इस हवाले से, जैसा शाह मोइन साहब ने भी बात की कि एक इन दोनों की बातों से वो शोबिज़ से सहाफत में आए, ये क्रिकेट से सहाफत में आए। इन यानी कि क्रिकेट भी पाकिस्तान और दुनिया में एक बड़ा माना जाता है, ठीक है ना, और बड़ा लोग फॉलोअर हैं। बिल्कुल, मेरे को तो क्रिकेट से माजद के साथ नफरत है, इस हवाले से मैं हिटलर को अपना हीरो मानता हूँ कि उसने क्रिकेट की टीम ही जर्मन में खत्म कर दी थी। वो मेरी अपनी राय है जात की। अच्छा, अब मसला यह आता है कि ये एक साबित होता है आपके प्रोग्राम से, ये बात साबित होती है कि सहाफत का जो पेशा है ये सबसे अफजल पेशा है। यानी कि क्रिकेटर भी साफी बना जाता है, आज बहुत से क्रिकेटर बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो कंपेयरिंग कर रहे हैं बैठ के, ये भी सहाफत ही है। शोब मिनिस की जो शख्सियत है वो भी अवाम उसके फॉलोअर होते हैं, जैसा शर्मिला ने कहा, शर्मिला साहब ने कहा कि मैं कि वो लाजमी उसके फैन होते हैं, फॉलोअर होते हैं, मानने वाले होते हैं, तो वो भी सहाफत साफी बना जाता है। हम इंडिया में भी देखते हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी देखते हैं, बड़े फीमेल्स मेल्स बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सहाफत में आ गए। अच्छा, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, जिसके लिए बचपन में बच्चा पैदा ही होने वाला होता था ना, तो बता ये डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमें कहता है कि हमारे कार्ड बना दें। तो मैं ये कहता हूँ, और सहाफत का पेशा हो शौक ना, यानी कि शौक पे ये चमक देखे। मैंने अभी इससे पहले कोमल बात की थी आपसे
कि देखे तो मैंने कहा भाई इस पेशे से आप लोग दूर रहो, आपका अपना खुद मुकद्दर पेशा है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मुख्तलिफ चीज़ों, आज आप आधे से ज़्यादा देख रहे हैं, बड़े बड़े हैंकर्स भी कोई डॉक्टर के पेशे से वापस आ रहा है, कोई फलां के पेशे से वापस आ रहा है। और मुझे तो हैरत होती है, एक दो भाई है कराची के अंदर, वो सियासत में भी है, सफाकार भी हैं, संतकार भी हैं और हैंकर भी हैं, उन दो भाइयों ने कोई शोभा नहीं छोड़ा। देखिए ये टैलेंट की बात है ना, टैलेंट इतना ज्यादा कि नहीं, कोई शोभा छोड़ा नहीं है, नहीं टैलेंट की बात नहीं है, टैलेंट की नहीं है, टैलेंट इस मुल्क में टैलेंट की तो पहली बात है कदम नहीं है। जैसा शाहरुख मोइन ने कहा कि कराची के क्रिकेटर्स को नजरअंदाज किया गया, ठीक है, यानी टैलेंट की तो आप बात छोड़ दें। इस मुल्क के अंदर जो बहुत से चैनल मालकान है जिनको शौक है चैनल में आकर सारे बढ़ने का, उन्होंने अपने चैनल निकाल लिए, जिनको शौक है फिल्म में हीरो बनने का, जिनको कोई शर्मिला साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो उन्होंने अपनी फिल्में बना ली, खुद हीरो बन गए। तो इस मुल्क के अंदर क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुकद्दस पेशा समझा जाता है अभी तक, फिर भी वो है साफ़त ना जस्ट काफी सारे सुराख होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि सहाफी हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अहमियत के हामिल है, हमारे पास सहाफी नहीं होगी तो हम कहाँ से सारी चीजें मालूम होंगी। देखिए सहाफत का काम है माशरे में अच्छाई हो या बुराई, बिल्कुल कहीं करप्शन हो जो कुछ भी हो उसको मंजरे आम पे लाना और उसका बताना, ये तो हमारी हुकूमतों का काम है, अदालतों का काम है कि वो उस तरफ तवज्जा दे, ठीक है। सहाफी तो बता सकता है ना, अब तसद्दुक साहब किसी पे बहस करते हैं या टॉक करते हैं, हम टॉक करते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये करप्शन है या ये चीज़ है, शहजादा मोइन स्पोर्ट्स के हवाले से बताते हैं कि भाई इन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होती है, अच्छा अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ नए खिलाड़ियों को बुला के उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है, तो अच्छाई बुराई की निशानदही मीडिया करता है, कानून तो नहीं बनाता ना। अब लेकिन तसद्दुक साहब एक मिनट, आप ये मुझे बताइए कि सहाफ़ी इस वक्त जो कुर्बानी देता है और जो अपने हथेली पे जान रख के हर जगह की कवरेज कर रहा होता है, आप ये बताएं कि उसको क्यों नहीं माना जाता, उनको क्या सहूलियात हैं ना हुकूमत की सतह पे ना सरकारी। अब जैसे तसद्दुक भाई ने कहा कि एक शख्स है वो तमाम शोबों में आ जाता है, तो क्या तमाम सलाहियतें हैं उसमें? नहीं, देखिए जिस वक्त मैं एज ए शोबिज में था मैंने शोबिज छोड़ दिया, मैं राइटर एज ए डायरेक्टर रहा, ठीक है, अब एंकर हूं मैं, ठीक है, मैं कम कहानियां लिखता हूं, कोई वक्त मिल जाता है तो मैं कोई कहानी लिख लेता हूं, क्योंकि इससे वक्त नहीं मिलता, इसकी हम कितना मुताला करते हैं, कितना हम स्टडी करते हैं, कितना हम भाग दौड़ करते हैं ये हम जानते हैं। तो एक काम जब आदमी कर रहा होता है पूरे दिल और दिमाग के साथ कर रहा होता है, उसको दूसरे काम की तरफ तवज्जा नहीं होती। बिल्कुल, अब इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इस वक्त मतलब बहुत सारे काम एकदम कर लूं, ठीक है, वो ठीक है कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो हर तरफ कर रहे होते हैं। अब अनवर मकसूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, क्या बहुत अच्छे एक्टर हैं वो? नहीं, मोइन अख्तर अच्छे एक्टर थे और दीगर लोग अच्छे एक्टर थे। अब दिलीप कुमार इतना बड़ा नाम है या शाहरुख खान है, क्या वो डायरेक्टर बन जाएंगे या वो एंकर बन जाएंगे? ठीक है, अच्छा एंकर अलग है और होस्ट अलग है, अलग है, आप जो है वो होस्ट है, एंकर नहीं है, एंकर तसद्दुक गौरी साहब है, ठीक है, शहजादा मोइन है, मतलब ये एंकर हैं इस चैनल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टडी करते हैं, एक कोई टॉपिक लेके बैठते हैं तो उसके बाकायदा उसकी गिरफ्त रखते हैं अपने हाथ में, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आजकल जो है एक वो पान बेचता था वो रिपोर्टर बन गया, वो दूध बेचता था वो बन गया, जैसे इन्होंने कहा डॉक्टर है वो कह रहा है यार सहाफत का मुझे कार्ड बना दें। किस लिए बना दें? क्योंकि हालात जब खराब होते हैं तो वो कार्ड काम आता है, उनके वो अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है कोई चीज नहीं है तो वो दिखाना चाहते हैं कि जी मैं फला इदारे से वाबस्ता हूँ। ये सपोर्ट लेनी जैसा एक चीज साफी को क्या है इज्जत है सर, चाहे वो गरीब है या अमीर है। बिल्कुल हाँ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वीवीआईपी होते हैं, आर्मी चीफ वीवीआईपी, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कोई ऐसी जगह में इंटर होते हैं तो एज ए प्रोटोकॉल तमाम लोग खड़े हो जाते हैं एज ए प्रोटोकॉल, ठीक है, वीवीआईपीज हैं सरबरा है, मगर साफी बैठा रहता है, आम साफी
साफ ही बेटर था, उसको प्रोटोकॉल वाले भी खड़े नहीं कर सकते, वो उसकी मर्जी है खड़ा हो ना जी, ये इसको एजाज हासिल है। हाँ जैसा पर्सनल जैसा हम मीटिंग्स कर रहे हैं तो उसमें तो खड़ा होगा, यानी कि अगर हम पेशे के एतबार से वहां में बुलाया गया प्रेस ब्रीफिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो खड़े नहीं होते, तो एक बहुत बड़ा उसके लिए ऑनर है, एजाज है। ठीक है, इसी तरीके से क्या नाम है, ये तमाम चीजें जो है ना, मगर उस चीज को जैसा आपने कहा कि अब वो छेद हो रहे हैं, असल में दुनिया में पाकिस्तान समेत दुनिया में मीडिया आजाद नहीं है, मीडिया को यहूदियों ने दुनिया भर से इसको कवर किया हुआ है। आप हम सच बताना भी चाहें, सच लोग सुनना चाहते हैं और सच के साथ हैं, मगर प्रेशर है, सबके पर प्रेशर है, उसके बावजूद ये जो हमारा इदारा है, हम विनस में बैठे हैं, विनस के लिए काम कर रहे हैं, विनस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, इनको मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ, उन बड़े मालकान से ज्यादा उस बड़े मीडिया, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम्स में भी ये बात कहा है कि ये जो मीडिया सच बताते ही नहीं हमारा, हम खुद मीडिया से तालू, मगर ये मालकान को अप्रिशिएट करते हैं कि हम फिर भी हम तो काफी हद तक सच बताते हैं, बोलते हैं, बहुत सी मजबूरी बोलते हैं, एक दो प्रोग्राम आपके इल्म में भी है कि मेरे खुद रोक दिए गए कि ये इतना सच है कि भाई रोक दिया जाए, बिल्कुल सही बात है, ऊपर हम सबके मीडिया मालकान में, मगर उसके बावजूद हम औरों से बेहतर है कोमल साहब, और बेहतर हम किसी भी, चाहे क्रिकेट के बारे में हो, चाहे शो बिजनेस के बारे में हो, चाहे सियासत के बारे में, हम फिर भी सच बताते, बहुत कुछ सच बताते। वेलकम बैक जी, टी टाइम विद कोमल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैंने अपने को होस्ट बुलाया ताकि मेरा जो टी टाइम है बड़ा जबरदस्त किस्म का हो जाए और हम गपशप करें, और हमारे बहुत ही टॉप जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक्त उनके जो है को होस्ट मैंने अपने पास बुलाए, तो हम बातचीत कर रहे थे सहाफत के बारे में। हमारे पास जो शख्सियात मौजूद हैं वो एंकर भी हैं, वो आर्टिस्ट भी हैं, वो एक्टर भी हैं, हिदायतकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। इस वक्त एक जबरदस्त किस्म की बात यह है कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स में बंदे मौजूद है वो भी सहाफत में है। अच्छा, अब बचपन से ही शौक था क्रिकेट का? बिल्कुल, मैंने जिस तरह बताया था आपको कि क्रिकेट का शौक तो बचपन से ही था, स्कूल में भी ये होता था कि हाफ टाइम होता था तो उसके बाद जो एक पीरियड स्पोर्ट्स का होता था तो हम जाकर ग्राउंड पे एक घंटा खेला करते थे, उसके बाद इंजॉय करते थे, फिर टीम बनती थी, स्कूल की टीम बनी वहाँ से खेला, फिर जिस तरह मैंने बताया कि कॉलेज की टीम बनी, फिर वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला, तो ये सिलसिला चलता ही रहा ना। तो फिर हमने जब देखा कि इस चीज़ पे हम जब वापस आते थे तो बहुत ज़्यादा साफ़ी की, जिस तरह तसद्दुस साहब कह रहे हैं कि सहाफ़त बहुत ही चौथा सतून है हमारे मुल्क का, और इस पर जिस तरह काम नहीं हुआ है, जो आज़ाद होना चाहिए वो आज़ादी हमें नहीं मिली आज तक, आज भी हम जो बहुत सी चीज़ों को पसे पर्दा रख कर जो है ना काम कर रहे होते थे, कर रहे हैं, बल्कि कर रहे होते थे, क्या कर रहे होते भाई बात गौर करें बताएंगे कि तसुदा, ये बिल्कुल सही बात है कि आज भी हम पसे पर्दा रख के बहुत सी चीजों को जो अपने प्रोग्राम में ऑनियन नहीं कर रहे होते थे, तो ये चीजें कब तक सिलसिला चलता रहेगा ये हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन जो गवर्नमेंट है कम से कम उसे जो है ये एक स्टेप जरूर साफियों के लिए लेना चाहिए कि आजाद होना चाहिए, जो नजर आ रहा है उसे हमें बयान करना चाहिए, सबसे अहम चीज ये। हमने देखा कि देखें बहुत सी चीज़ें, अभी मैं हाल ही में आपसे बात कर लूं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर पे मसला चल रहा, हर एक कोई हर माहिरीन, अब तो सबका जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो भी और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो भी अब कहते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मिडिल ऑर्डर में चेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई भी चेंजिंग कराने का इरादा नहीं रखता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि इसी टीम के साथ जाएंगे हम, एक डेढ़ साल के साथ इसी टीम के साथ हैं, तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो जीरो की जीरो नज़र आ रही है, कुछ नया लाना ही नहीं चाहते कि ताकि मजीद बेहतरी आए। देखिए हमने तकरीबन एक साल T20 वर्ल्ड कप का इंतज़ार किया, वर्ल्ड कप हमारे सर पे है, अब हम कह रहे हैं कि हम इस पे जो है मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ हम ट्राई कर रहे हैं, वो भी सैफरी की टूर्नामेंट के अंदर, अगले माह जो है हमारा वर्ल्ड कप है T20, तो अब बताएं कि जो टीम
एक माह पहले या 15 दिन पहले अपने जो बैटर्स को वो चेक कर रही हो या फिर अपने प्लानिंग 11 को वो तरतीब दे रही हो, तो कैसे इस मुल्क के अंदर जो है सफाई नज़र आएगी, कैसे शफाफ फैसले होंगे, कैसे सिलेक्शन का मियार अच्छा होगा, ये चीज़ें होती दिखाई नहीं दे रही है। डोमेस्टिक की अगर हम बात कर लें, इसमें थोड़ी सी आप गपशप की बात की तो थोड़ी सी डोमेस्टिक की भी कर लें। डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म करते हैं उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता, इसकी मिसाल आपके सामने ही है। कामरान गुलाम बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग करता नजर आया, मीर हमजा बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, तो इनको साइडलाइन लगा दिया गया। अब आप देखेंगे सऊद शकील, जो इस वक्त अगर मैं कहूँ तो वन डे का बेहतरीन प्लेयर है मिडिल ऑर्डर का, लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो कराची से ताल्लुक है। कामरान गुलाम की बात करें, मीर हमजा की बात करें, ये इन सब का ताल्लुक कराची से। फिर सरफराज अहमद के लिए बड़ी आवाज़ें उठती दिखाई दी, वो किसी भी क्रिकेटर को सेलेक्ट नहीं करना। नहीं, अब ये पीसीबी का कौन सा लॉजिक है कि वो कराची से प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं? हम देखते हैं कि दीगर शहरों से तो प्लेयर्स निकल कर सामने आ जा रहे हैं, लेकिन कराची से सिलेक्शन का मियार आप देख लें। फवाद आलम अगर एक इनिंग में फ्लॉप होते तो अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है, सरफराज अहमद अगर कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो वो टीम से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर जो मौजूदा टीम में प्लेयर्स हैं वो कंटिन्यू जो है परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो टीम के साथ हैं, मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ यही रखा गया है कि कोई एक मैच में तो वो परफॉर्म कर देंगे तो इंशाल्लाह वो फिर अगला मैच भी खेल लेंगे, 3-4 मैचेस पक्के हो जाते हैं उनके। ये सिलसिला जो है खत्म होना चाहिए। सिलेक्शन का जो मियार है ना कोमल साहब, वो बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। जैसा तसद्दुद साहब ने कहा कि इस चीज को लेके शफाफ तरीके से अगर चलेंगे, आजादाना तरीके से चलेंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर सहाफत का जो आजाद माहौल है ना वो फिर तरतीब देता हुआ भी नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही देखें, कोशिश तो की जा सकती है कि चीजों को शफाफ तरीके से पेश किया जाए या उनको सामने लाया जाए, कोशा है सभी लोग अपनी अपनी जगह पे, तो उम्मीद कहते हैं अच्छी उम्मीद रखे तो हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छा, मैं हमेशा ना अपने तमाम गेस्ट से एक सवाल पूछती हूँ। अभी जो आप तीनों हजरात जो है वो सहाफा से रिलेटेड है, तो मैं आप तीनों से ही इक्वली एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, वो ये है, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कलील रह जाता है, ठीक है, और बातें बड़ी लंबी होती है, क्योंकि जब हम गपशप करने बैठते हैं ना तो वक्त का पता ही नहीं चलना। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप लोग सहाफी ना होते तो क्या होते? मैं अगर सहाफी नहीं होता तो मैं वही कर रहा होता जो इससे पहले कर रहा था। आर्टिस्ट होते आप? आर्टिस्ट होता है और आर्टिस्ट आज भी है, आर्टिस्ट आज भी है, तो उसको मैं ऐसे निकालता हूँ कि मैं कहानियाँ लिख लेता हूँ, कोई ड्रामा लिख दिया, डायरेक्शन दे दी, और ये सब जानते हैं जो हमें देखने के लिए मिलेगा नया, कोई नया कोई प्रोजेक्ट जो आ रहा हो हमें देखने के लिए इंशाल्लाह। अब मैं बहुत जल्द वीनस के बिहाफ पे एक बहुत अच्छा ड्रामा, फुल कॉमेडी, जो फैमिली के साथ देखने वाली कॉमेडी हो और अच्छा लगे, बिजली के नाम से लिखा है, अभी मैंने किया था तब्दीली आएगी, ठीक है, तो वो किया था, बड़ा कामयाब हुआ, और अब मैंने लिखा है बिजली, उसमें भी कैरेक्टर तो था ना मेरा ख्याल आपका। चले जी, देखते हैं आगे आपके इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे और काबिल आर्टिस्ट हैं, अच्छा ही लिखते हैं, तो हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। अच्छा मुझे सब आप बताएं, अगर आप सहाफी नहीं होते जिस तो क्या? क्रिकेटर, मैंने आपसे कहा कि क्रिकेटर ही होता, क्योंकि मैंने अंडर-19 खेली है, उसके बाद कोशिश थी कि मजीद क्रिकेट खेलूं, लेकिन घरेलू परेशानी के बाइस जो है क्रिकेट को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन आज भी मीडिया के मैचेस होते हैं तो वो खेलता हूँ। मीन्स कहीं ना कहीं अभी वो चीज़ मौजूद है कि मुझे क्रिकेटर होना चाहिए था। तसद्दुक साहब, आप सियासत को तो छोड़ ही सके, उसको खैर बात कह दिया आपने, सहाफी ना होते तो क्या होता? फिर सियासतदान होते। आप पॉलिटिशियन होता, और जो मेरे दोस्त थे उस वक्त है और आज भी बहुत से MNA भी बने, मिनिस्टर भी बने और एडवाइज़र भी बने, तो मैं भी, मुझे पे इतना यकीन था है कि मैं इस लेवल पे भी पहुंच जाता। जो 25 साल का अरसा मैंने सहाफत में गुजारा है, अगर मैं सहाफ़ी नहीं होता तो, मगर सियासत इसलिए छोड़ी कि कोई भी पाकिस्तान का लीडर जो है, मैंने करीब से देखा है, वो मुखलिस नहीं है पाकिस्तान की आवाम के साथ, कोई भी लीडर मुखलिस नहीं है। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेकर मौजूदा इमरान खान और शहबाज शरीफ को तो सब देख रहे हैं मुखलिस है, इमरान खान साहब में कुछ चीज़ मुखलिस की नज़र आ रही है, लोगों की उम्मीद है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि अगर आप नहीं होते तो पॉलिटिशियन होता, इसलिए तो अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा सियासतदान ही वही मुकदमा अपने आवाम का, अपने मुल्क का लड़ सकता है जो साफ ही लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है।
टी टाइम विद कोमल में आज मेरे को होस्ट मेरे साथ मौजूद थे। बड़ा मजा आया आप सब लोगों से गपशप करके, क्योंकि इस तरह से हम ना बहुत कम बैठते हैं। हम लोग इतनी ज्यादा अफरा तफरी में होते हैं, इतना हमारा काम होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात ही नहीं कर पाते। खैर, मैंने अपने प्रोग्राम के तफासत कोशिश की कि मैंने अपने दूसरे को होस्ट भी आपसे मिलवा सकती, लेकिन भारत मजबूरी वो नहीं आ सके। खैर, आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। मुहिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तसद्दुक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि नाज़रीन देख रहे हैं जी कि अगर आप इस सीट पर नहीं होती तो आप क्या होती। आप ये भी आपसे बता दें क्या ख्याल है। अच्छा, अगर चले मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं एंकर पर्सन ना होती तो मैं एक बहुत अच्छी सिंगर होती। मैं सिंगर होती, क्योंकि गाने का मुझे थोड़ा बहुत शौक है, तो मैं सिंगर होती। चलो आइंदा आसिफ शर्मा आपको सिंगर करवाएंगे। मैं आपको, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में तो मैं तमाम शोबों से करता हूँ, चाहे अदब हो, म्यूजिक हो, सियासत हो, करप्शन हो, मैं तो सब पे प्रोग्राम करता हूँ। हमारा शोभा थोड़ा करीब है। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, क्योंकि वक्त जो है ना वो बड़ा हमारे पास महदूद होता है, और हम बहुत ज्यादा बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि हमें इस तरह से बैठने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैं अपने सभी हजरात, सभी अपने को उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, आप पहुंचे, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक नई एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ, नए लोगों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी। उस वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।